डॉक्टर मीनल मोहित, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर। आज विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 2022, जो कि 20 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, उसके उपलक्ष में हड्डियों की स्वास्थ्य के बारे में आपसे कुछ बातें करना चाहूँगी। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे, ऑस्टियोपोरोसिस अर्थात हड्डियों की घनत्वता यानी बोन डेंसिटी। उम्र के साथ साथ बोन डेंसिटी कम होने लगती है, लेकिन इस बोन डेंसिटी का ख्याल हमें बचपन से रखना होता है। एक रेगुलर एक्सरसाइज, डाइट में कैल्शियम की प्रचुरता, अगर इन दो बातों का ध्यान बचपन से रखा जाए तो हर बच्चा एक स्वस्थ अडल्ट में ग्रो करेगा और उसकी बोन्स भी स्ट्रांग होंगी। लेकिन हर प्रिकॉशन के बावजूद उम्र के साथ साथ बोन्स वीक होती हैं, तो इनको हम कैसे बचा सकते हैं? उसके लिए नियमित व्यायाम बहुत ज़रूरी है। व्यायाम खासकर जो बोन स्ट्रेंथनिंग व्यायाम है, ताकि हम किसी भी तरह से अगर किसी भी वजह से गिरे तो हमारी हड्डियाँ ना टूटें। सेकेंडली, हमारी डाइट, जिसमें कैल्शियम की मात्रा हमें पर्याप्त रखनी है और वाइटामिन डी की मात्रा भी पर्याप्त रखनी है, क्योंकि कैल्शियम और वाइटामिन डी से ही हमारी बोन्स की डेंसिटी मेंटेन रहती है। तीसरी बात, इन सब के बावजूद कोशिश करेंगे कि हम किसी भी परिस्थितियों में ना गिरें, यानी प्रिवेंशन ऑफ फॉल भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है बोन हेल्थ का। तीसरा कॉम्पोनेंट है हमारा मसल मास, जो भी उम्र के साथ कम होता है, यानी सार्कोपीनिया। तो सार्कोपीनिया को भी अवॉइड करना है। उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? फिर से वही दो बातें, अपने आहार का ध्यान रखिए, कैल्शियम की मात्रा पर्याप्त रखिए और रेगुलर मसल बिल्डिंग यानी एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस प्रतिदिन करिए। तो यही एक मैसेज है, रेगुलर अपना बोन चेकअप कराइए। हम बात करते हैं हार्ट की, किडनी की, लिवर की, डायबिटीज़ की, लेकिन बोन हेल्थ थोड़ा एक निग्लेक्टेड टॉपिक है। तो आज इस विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 20 अक्टूबर 2022 को लेट अस प्लेज कि हम अपनी बोन हेल्थ को भी इम्पोर्टेंस देंगे और अपने बोन्स को रेगुलरली अपने डॉक्टर से चेकअप कराएंगे। धन्यवाद।